बच्चे का कैमरा ऑफ होगा ना, मैं पहले ही इसलिए मैं आप लोग को इंस्ट्रक्ट कर दे रही हूँ ना, फिर आप लोग बोलोगे कि मैम हमें पता ही नहीं था। तो जिस बच्चे का नेक्स्ट क्लास, तो सभी का कैमरा ऑन है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से अगर किसी बच्चे का कैमरा ऑफ होता है तो उस बच्चे का नाम नोट किया जाएगा, तो उसको भी इस पे मार्क्स मिलेंगे कि कौन कितना अटेंटिव होके, ये समझ लीजिए आपके उस पे मार्क्स रहेंगे, तो उसमें हम आपके टेस्ट में भी हो सकता है इसमें आपको प्रॉफिट मिल जाए। कहते ना एक्टिविटी, उसमें स्कूल में क्या रहते हैं, आप अटेंटिव रहते हैं ना हर चीज में, तो आपको मार्क्स मिलते हैं उसके, ऐसे यहाँ पे मिल जाएंगे अच्छा आपको। तो कैमरा हमेशा हर क्लास में ऑन होना चाहिए, और कैमरा ऑन मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका घर दिखे, आप दिखने चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं ना, है ना। और आपको लिटरेचर के नोट्स नहीं बनाना है किसी को भी, अगर लिटरेचर में स्कूल में जो चल रहा है ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ से आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे, अगर लिटरेचर का आपका पीछे चल रहा है सिलेबस या जो भी है वो मुझे सब लोग बता दीजिएगा अभी, और बुक का नाम जरूर आज बता दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा फिर मैं कंफ्यूज ही रहती हूँ कि किसका कौन सा बुक, मैं वो लिख ही लेती हूँ अभी क्या रहता है, तो आप लोगों से वो बुक्स मैं मंगा सकती हूँ उसका पीडीएफ आप लोगों से, क्योंकि हम लोगों के पास तो ऑल एनसीईआरटी मेरे हम लोग के पास रहता है, लेकिन अगर अदर बुक्स जो आपके स्कूल में प्रोवाइड कराई जाती है तो वो हम लोगों के पास बुक्स नहीं होती है, तो हम लोग नहीं मैम, चाहते कि आप कोई भी तो बच्चा, बजट प्रोवाइड कर सकते हो? हाँ नहीं नहीं सुनिए सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, तो मैं वही सब चीज आप लोगों से आज क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आपका दूसरा बुक भी है तो वो भी हम लोग पढ़ाएंगे, इस चीज का आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। देखिए ग्रामर सबका सेम होता है, ग्रामर चाहे आप कोई सी क्लासेस में भी चले जाएंगे ना, बस लेवल चेंज हो जाता है कि थोड़ा सा किसी क्लासेस का हाई हो जाता है तो किसी का ये वाला पैराग्राफ नहीं होता, तो किसी का ये टॉपिक नहीं होता, बट ग्रामर सभी का और सभी स्कूल में एक सा ही चलता है, चाहे हिंदी ग्रामर की बात करें, चाहे इंग्लिश ग्रामर की, या चाहे संस्कृत ग्रामर की। लेकिन लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में हो जाता है कि टॉपिक्स चेंज कर दें, बुक्स चेंज कर दें स्कूल वाले, क्योंकि कई वाले एनसीईआरटी का नहीं लगाते हैं, वो अपना प्रेफर भी कर देते हैं कभी कभी स्कूल में बुक्स, तो ये बुक्स का नाम मुझे बता दीजिएगा। अच्छा ये बताइए किस किस के पास एनसीईआरटी बुक है, हिंदी में कृतिका मैम, और वो कौन कौन मेरे सी पास, चलती है, कौन हाँ मेरे पास सी है है मैम, लक्ष्मण श्री, वसंत कौन सी बुक है, मैम, मेरे कौन सी है पास है मैम, वसंत और मैम, बाल महाभारत। वसंत और बसंत, भारत की खोज मेरी, भारत की खोज है, और मैम मेरी अमोली है, एक मिनट पहले भारत अमोली की खोज, एक और क्या बोला था, भारत की खोज बसंत, और एक और क्या बोला था अभी एक और बच्चे ने, बाल बाल महाभारत अमोली मैम, मैम बाल महाभारत, महाभारत तो इन दोनों में से भारत की खोज माल महाभारत महाभारत में से एक चूज करते होंगे आप लोग, जिसके यहाँ किसी किसी के यहाँ भारत की खोज चलती हुई, किसी किसी के यहाँ बाल महाभारत चलती है ना। मैम, तो मैम एट क्लास का, भारत में मैम पहला, एट क्लास का सॉरी भारत की भारत खोज और सेवेंथ खोज क्लास एट का क्लास बाल में। महाभारत है। अच्छा मतलब आज जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं वो 7th और 8th दोनों क्लास के हैं क्या? यस यस मैम, मैम, ओके, मतलब आज कंबाइंड क्लासेस है 7th और 8th का, मतलब ग्रामर क्लासेस, ओके। तो अच्छा मतलब भारत की खोज कौन सी क्लास में बताएंगी क्या आप? मैम 8th एट्थ में, मैम में, 8th में, और बाल महाभारत 7th में, 7th में, मैम और 7th वसंत दोनों में होगा है ना? में, यस मैम, पसंद यस मैम, मैम, बस बस अब बुक का, हाँ मेरी बुक का नाम अमोली वही है है मैम, लेकिन पैराग्राफ दोनों का डिफरेंट होगा, मैम चैप्टर वो तो अलग हाँ अलग है। वो तो चैप्टर अलग अलग, बुक तो मेरे पास है एनसीईआरटी, बस अब ये मुझे बताइए कि ये जो बुक है ये तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पैटर्न बेसिस है, अब इन बुक के अलावा किस के स्कूल में अलग बुक चलता है बताइए, अब मेरे ये जो स्कूल है मेरी है मैम, अमोली मैम, अमोली ऋषित के यहाँ अमोली चलता है, मैं नाम लिख लेती हूँ, ऋषित इज अ 7th क्लास स्टूडेंट, यस ऋषि 7th क्लास ना, यस मैम, 7th क्लास में मैम, हाँ। और बताइए किसके स्कूल में डिफरेंट बुक है, नाम बताइए अपना, श्वेता श्वेता आपके स्कूल में कौन सा बुक चलता है, पावनी, मैम, पावनी हिंदी में पावनी चलती है 7th 8th में, 7th मैम, 7th में, और बताइए स्वप्निल आपके स्कूल में भी डिफरेंट बुक है, वही है वसंत और बाल बाल महाभारत,
और बताइए, और किसी और इन दोनों के अलावा, श्वेता और ऋषित के अलावा और कोई बच्चा है जिसकी बुक डिफरेंट है? नहीं है? यस या नो, सच में बोलिए। सीबीएसई? नो मैम, अरे सीबीएसई नहीं हो, मैं सभी का स्कूल सीबीएसई होता है, लेकिन 8th क्लास तक ऐसा होता है सीबीएसई बोर्ड में कि अपना बुक भी प्रेफर कर सकते हैं स्कूल वाले, कोई भी राइटर्स का बुक रख सकते हैं। कई स्कूल वाले एनसीईआरटी ही चलाते हैं, कई लोग अपना हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश अपना प्रेफर कर लेते हैं, साइंस अपना प्रेफर कर लेते हैं। बताइए और कोई है, जल्दी बता दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना। और कोई भी बच्चा नहीं है ना, बाद में नहीं बोलना कि मैम मेरा अभी अलग था। हाँ अभी धवन, धवन आपका वही है, बाल महाभारत, भारत की खोज, बसंत। धवन मैम, धवन 7th में। हाँ धवन 7th में है, तो उसके पास बाल महाभारत और बसंत होगा, यही है ना धवन? हाँ मैम। हाँ बोला करो धवन, अगर नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, है ना? अवंतिका आपका भी यही है? यस मैम। ओके, और किसी बच्चे का मतलब चेंज नहीं है। तो ऋषित और श्वेता, आप लोगों को क्या करना है, पीडीएफ बनाना आती है आपको? यस मैम। यस मैम। बना लेते हैं? यस मैम। आप लोग ना जब भी टाइम हो तो अपनी बुक का पीडीएफ बना के सर को सेंड कर दीजिएगा। ओके मैम। मेरी बुक है मैम, पूरी बुक का। हाँ पूरी बुक का ही करना होगा ना, अभी अगर पूरी बुक का नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा बड़ी है, अगर बहुत सारे पेजेस हैं, तो अपन जो अभी स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ेंगे उनकी कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों का लॉस ना हो, है ना? ओके मैम। लोगों को अगर हमें वो चैप्टर तो पढ़ाएंगे और फिर आप लोग दोनों बैठो, हाँ 3 चैप्टर का भी ऐसा ऐसा करके कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये आप लोग को याद रखना है, भेजना सर मुझे सेंड कर देंगे, ठीक है? तो आप दोनों ध्यान से जितने चैप्टर्स का भेज सके। तो आपका आईसीएसई बोर्ड है क्या दोनों का? नो मैम, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है। नहीं मैम, सीबीएसई है। मैंने कहा वो बुक दोनों ऐसा लग रहा था ना आईसीएसई। क्या सर्विस मैम? मेरी सुनहरी धूप है। अभी तक कितने देर से क्यों नहीं बोल रहे थे सर्विस? 7th क्लास ना? यस मैम। अब आप भी भेजना, तीनों बच्चों को भेजना है सर्विस, श्वेता, महाभारत। हाँ सुनहरी का ध्यान से भेजना, ठीक है? ओके मैम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई का। आज लिटरेचर नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि 7th 8th कंबाइंड क्लासेस है आज। आज हम ग्रामर पढ़ेंगे। तो ये बताइए मुझे, भाषा सभी को समझ में आ गया था? क्योंकि 7th में भी वही चल रहा था, 8th में वही चल रहा था। तो 7th भाषा में कोई भी डाउट नहीं है? नो मैम। नो मैम। लक्ष्मण सर? नो मैम। ओके धवन, आप थे उस दिन जिस दिन भाषा पढ़ा था? धवन यस। ऋषित मैम, एक डाउट है मैम, भाषा कितनी होती है मैम, 22 या 18? देखिए भाषाएं तो संसार में बहुत सारी होती है, पहले समझना अच्छे से। देखिए भाषा सुनिए, पहले समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड। देखिए भाषा जो है बहुत सारी होती है, मैंने पहले ही बताया था ना, जब आपको भारतीय लैंग्वेजेस अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था, मतलब इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषा, हाँ बोलियां भी होती है, भारतीय भाषाएं जब हमने टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, मैंने पहले ही बोला था कि पूरे जो संसार है, संसार मतलब वर्ल्ड, विश्व, उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, पढ़ी भी जाती हैं और लिखी भी जाती हैं। लेकिन सभी देशों की, मतलब जिस देश में हम रहते हैं, पूरा ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड में कितने सारे देश हैं, कंट्रीज हैं, तो सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। और हम लोग जहाँ रहते हैं, मतलब हमारा भारत देश है, तो भारत देश में भारतीय संविधान बनाया गया है, पता है ना सभी को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
उसमें तो उसका जो अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब हमारा होता है आर्टिकल 343, मतलब 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। और उसे कब एक्सेप्टेबल किया गया था? 14 सितंबर 1949 मींस 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अब सबसे पहले जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें पहले भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। मतलब हमारा जो संविधान है उसमें 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी बोलने की, समझ रहे हैं? 18 भाषाएं स्पेशलिटी स्पेशल रूप में रखी गई थी। मतलब ये वैल्यूएबल, मतलब कहते हैं ना कि ये स्पेशल है, कोई भी चीज स्पेशल होती है तो उसको रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है। फिर नीचे तो बहुत सारी भाषाएं, लेकिन भारतीय संविधान में सबसे पहले 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। मतलब हमारे भारत में उनको अटेस्टेड किया कर दिया गया था कि ये आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ये भाषाएं हमारे संविधान में सम्मिलित कर दी गई तो ये बोली जाएंगी यहाँ पर ज्यादातर, ठीक है? तो भारतीय संविधान में पहले 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। फिर इसमें उनको जो बोलियां होती हैं हमारी 1652 लगभग, उनमें से 4 बोलियां जो बहुत ज्यादा प्रचलित थी, मतलब ज्यादातर बोली जाती थी, तो फिर उन भारतीय संविधान में के कौन उसमें उन्होंने 4 बोलियां और उसमें इंक्लूड कर दी गई। तो 18 से ऐसी 22 4 बोलियां और जोड़कर 22 भाषाएं बन गई। तो 22 भाषाओं को मान्यता दी जाने लगी। तो जिसमें से 4 बोलियां जो थी वो बोडो, डोगरी, मैथिली, कोंकणी, ये ज्यादा प्रचलित बोलियां थी, तो इन बोलियों को भी भारत के संविधान में सम्मिलित कर दिया गया। तो इस तरीके से 22 भाषाओं को भारत के संविधान में मान्यता दे दी गई, ठीक है? तो सभी को हमने भाषाएं बताई है कि कौन कौन सी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो सभी को पता है, ठीक है? तो ये टॉपिक अब हम नेक्स्ट टॉपिक को आज से स्टार्ट करें। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। यस मैम। व्याकरण के कितने भेद हैं मैम? क्या मैम? व्याकरण के कितने भेद हैं? व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है? ये वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आगे पढ़ेंगे। क्या मैम? हमारी बुक में मैम 4 है। एक और कौन सा बताया, बताओ मैम? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो पद और जो शब्द है वो थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है, मतलब दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है, ठीक है? ओके मैम। हो सकता है बता दिया हो पद, पद जो होते हैं मतलब शब्द से थोड़े से आगे होते हैं, कि जैसे पद मतलब कि 2 शब्दों को मिलाकर पद बना दिया गया, वो पद हो जाएगा। ओके मैम, ठीक है। वैसे सबसे ज्यादा तो आप खुद सोचेंगे कि देखो सबसे पहले क्या आएंगे, वर्ण आएंगे, अक्षर आएंगे, फिर अक्षरों से क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे, और शब्दों से वाक्य बनाएंगे। उन्होंने क्या कर दिया होगा, शब्दों से पद भी बना दिया गया होगा, पद विचार रख दिया। बहुत सारा चेंजेस करते रहते हैं जो राइटर्स होते हैं, अलग अलग राइटर्स होते हैं, सभी लोग जो बुक्स पब्लिशर करते हैं तो वो अपने थॉट्स रख देते हैं, ठीक है? तो सबको समझ में आया कि व्याकरण को वैसे मेन रूप से 3 भागों में बांटा गया है, पद विचार भी होता है, तो पद विचार भी याद रखिएगा, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। अब हम सबसे पहले आज का टॉपिक है, हो रहा था, आप एक बार दोबारा बता सकते हैं क्या? वर्ण के, सॉरी, व्याकरण के वैसे तो मेन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। लेकिन शब्द जो 2 शब्द से मिलकर, मतलब 2 शब्दों को अगर हम बना दिया जाए तो वो पद विचार भी कहलाने लगता है, मतलब 2 शब्दों को एक साथ लिख दिया जाए, ठीक है? तो पद विचार भी आप लोग याद रखेगा, ठीक है? अब हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो वर्ण विचार ही है, क्योंकि हम व्याकरण ही शुरू होती है वर्ण विचार से, क्योंकि सबसे पहले अगर हमें वर्ण विचार आएंगे तो हम व्याकरण को अच्छे से समझ पाएंगे और हमारी जो गलतियां होती हैं वो गलतियां भी नहीं होंगी, ठीक है? तो वर्ण विचार, मतलब वर्ण मीन्स होता है अक्षर, फोनोलॉजी बोलते हैं जिसको। तो सबसे पहले हम समझेंगे
पर जो भी रिटर्न का होगा तो वो हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए आप लोग मुझे, आप लोगों को नोट्स चाहिए है कि आप लोग को रिटर्न में लिखवाऊं क्लास में, कैसा कन्वीनियंट रहेगा आप लोग के लिए? हम नोट्स दे दीजिए। लिखवा दीजिए, कैसा सभी को जैसा इजी रहे तो वैसा कर लेंगे हम, ठीक है मैम। नोट्स ज्यादा इजी रहेगा मैम। यस मैम, ज्यादा इजी रहेगा, लेकिन जो रहेगा ना वो मुझे लिखा हुआ भी चाहिए आपके नोटबुक में। एटलीस्ट लिटरेचर नहीं लिखना, लिटरेचर मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि लिटरेचर तो आपके स्कूल में भी लिखाया जाएगा, लेकिन ग्रामर पोर्शन मुझे आपके नोटबुक में चाहिए, क्योंकि रिविजन करते रहना पड़ेगा ना। हाँ रिविजन के लिए तो आप लोगों को लिखा हुआ होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, आज तो हम समझते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। दोनों चीजें अगर सुटेबल होंगी तो दोनों चीजें आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे और क्लास में भी रिटर्न करा देंगे। जो टॉपिक समझाएंगे उसी को ही लिखा दिया करेंगे क्लास में, तो सभी बच्चे तुरंत ही लिख लिया करेंगे, और कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हुई तो आप लोग नोट्स में देख लिया करो, ठीक है। चलिए वर्ण विचार, तो वर्ण विचार क्या होते हैं? देखिए बोलते समय हमारे मुख से क्या होती है, अनेक ध्वनियां निकलती है, सभी को पता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं या आप लोग बोल रहे हैं तो बहुत सारी ये ध्वनियां ही तो निकल रही हैं। तो जो ध्वनियां निकलती हैं उन्हें जिन्हें सुनकर हम अपनी बात को क्या करते हैं, समझते। जैसे मैं आपको कुछ समझाया कि मैंने समझाया कि कैमरा ऑन होना चाहिए सभी का, तो आप ये मेरे मुंह से ध्वनि निकली और आप लोगों ने उसको समझ लिया कि नहीं मैम बोल रही है कि कैमरा ऑन होना चाहिए, तो कैमरा ऑन, ठीक है। तो सबको बात ये समझ में आ गई कि इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में, इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह बनाए गए हैं कि जो ध्वनियां निकाल रहे हो उनके लिए कैसे लिखना है, ठीक है। तो वो चिन्ह क्या है उनको हम पढ़ेंगे आगे। कि भाषा की सबसे छोटी, सबसे पहले हम अपना वर्ण की बात करते हैं। वर्ण मतलब समझते हैं, मतलब अक्षर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, हाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई यूनिट अगर देखा जाए तो ध्वनि है। उसके लिखित रूप को, मतलब जैसे मैंने ध्वनिया निकाली और उनको मैं लिख रही हूँ, वही क्या है, वर्ण है, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन, वर्ण की डेफिनेशन क्या बन गई, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। जैसे कोई भी डायग्राम देखते हैं आप, कोई भी डायग्राम देखते हैं तो आप उस डायग्राम को देखकर ध्वनि निकालते हैं। जैसे मुझे किसी के घर पे कुछ भी दिख रहा है जैसे, तो मैं बोलूं वो, तो वो ध्वनि निकली। तो ध्वनि किस तरीके से निकली, वर्ण है ना। अगर मैं अगर उसको लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, वर्ण में ही लिखूंगी ना, एक एक अक्षर ज्वाइंट करके लिखूंगी लिखूंगी ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जैसे मुझे दिख रहा है कमल दिख रहा है, तो कमल जब दिखा मुझे, मैं प्रेजेंट कर रही हूँ बोर्ड, एक मिनट, जस्ट वन मिनट, तो आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा डीपली, क्योंकि बोलने से अकेले नहीं आएगा। जस्ट वन मिनट, बोर्ड प्रेजेंट कर रही हूँ मैं। हाँ तो भाई को भाषा जब हम बोलते हैं तो उनमें क्या होते हैं, कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं, आप सभी को पता है। हाँ दिखेगा दिखेगा, जस्ट वन मिनट, स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ ना मैं, अभी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं किया ना, अभी दिखेगा आप, अब दिखेगा आपको, सभी को दिखेगा। हाँ अब दिखेगा ना, मैंने बोला था। हाँ तो देखिए, मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि वर्ण भाषा के सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ये तो मुझे समझ में आ गया। अब जैसे कोई भी डायग्राम होता है, वाइस एंड फॉर एग्जांपल, एक मैंने एक ऐसा फ्लावर बनाया कोई सा भी ऐसा, तो आपको ये देख के इमेजिन हो रहा है कि ये मैम ने कमल जैसा लग रहा है। तो आपने इस डायग्राम को, जब चित्र को ध्यान से देखा,
और आपने उसको उस नाम से बोला तो वही क्या है, एक ध्वनि है। जैसे आपने बोला कमल, कमल, आपने निकाला ध्वनि कमल, तो ये जो ध्वनि निकली उसको मैंने क्या कर दिया, इस प्रकार से मैंने उसको ध्वनि निकाली। देखो मैंने कैसे ध्वनि निकाली, कभी भी क म ल अ, अ। ये जो मैंने के नीचे हलंत लगना होता है। हाँ देखिए क्या, हाँ वही मैं बता रही हूँ आपको क्या होता है, जो व्यंजन होते हैं वह व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। यदि व्यंजन आप लिखेंगी तो ये व्यंजन है सही तरीके से का, ठीक है, लेकिन इसमें क्या जब आ जुड़ जाता है छोटा तो ये पूरा कम्प्लीटली का बन जाता है, ठीक है। तो देखिए सिर्फ आ वर्ण एक ऐसा है जिसकी मात्रा आपको दिखती नहीं है कि वो उसका मतलब कहना चाहिए कि पता नहीं चलता कि उसको कि कैसे कैसे उसको लिखना है, ठीक है, मतलब उसकी मात्रा क्या है, सिर्फ ये विजिबल नहीं होती है। आ की मात्रा के लिए विजिबल जो छोटा आ होता है उसकी मात्रा सिर्फ विजिबल नहीं होती आपको ना, आप जितनी भी मात्रा भी पढ़ाऊंगी अभी आपका धीरे धीरे पूरा टॉपिक मैं समझाऊंगी तो उसमें आपको सबकी मात्रा ड्रॉ करके बताऊंगी कि किस किस अक्षर की मात्रा कैसे समझा जाता है, लेकिन सिर्फ एक छोटा आ है जिसकी मात्रा आपको विजिबल नहीं होती और वो हर वर्ण के साथ जुड़ी हुई होती है, हर अक्षर के साथ इंक्लूड होती है। देखिए जैसे अपन ने कमल ही लिखा तो क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस आ, जो आपने कमल लिखा हुआ है तो आपको नहीं पता कि इनके अंदर आ छुपा हुआ है, लेकिन प्रत्येक अक्षर में जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई होती है तो वो उसमें छोटे आ की मात्रा लगी हुई होती है। जैसे आप लिखते हैं, आपने लिखा शेर तो आपको तो इसमें पता है कि स प्लस सॉरी आपको पता है कि इसमें है स प्लस एडी का एक ही मात्रा लगी है, लेकिन जो रा है उसको कई बच्चे क्या कर देते हैं, कई बच्चे रा सिर्फ लिख देते हैं, लेकिन नहीं, रा इट्स रॉन्ग, इसमें छोटा आ लगा हुआ है, छोटे आ की मात्रा लगी हुई है लेकिन वो विजिबल नहीं होती है, इस वजह से बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि उसमें आ की मात्रा। यदि कोई आपसे बोले कि इसको ब्रेक करो, कमल को ब्रेक करके लिखो, तो आप जिनको प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जिनका क्लियर होता है तो वो जानते हैं कि कमल या कोई भी शब्द का अगर उच्चारण करने और उसको ब्रेक करके बोला जाए कि ब्रेक करके लिखिए तो उनको उच्चारण इतना क्लियर होता है कि उनको पता है कि उनके अंदर आ छुपा हुआ है, ठीक है, क्योंकि क अकेली का हलंत लगा होता है तब वो का होता है, लेकिन जब उसमें आ जुड़ जाता है तो बन जाता है क आ का आ। देखिए जब खुद प्रोनाउंस करिए ना, उच्चारण कीजिए क, तो उसमें आ आपका बोला जाता है साथ में, चाहे प्रोनाउंस करने में देखा जाए चाहे लिखने में देखा जाए। समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। यस। अब देखिए जो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि ध्वनि जब आप लिखते हैं उसको ही वर्ण कहते हैं, तो ध्वनि को लिखने के लिए संकेत निश्चित है कि किसको कैसा लिखना है, संकेत ही लिपि चिन्ह कहलाती है। जैसे मैंने की भाषा में आप लोगों को बताया था ना कि सभी भाषा की क्या होती है, अपनी अपनी लिपि होती है कि उसको किस लिपि में लिखना होता है, इसी को ही आप लिपि चिन्ह भी बोल सकते हैं या वर्ण बोल सकते हैं। तो प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि चिन्ह होते हैं या उसको वर्ण बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है, मतलब उसको ए बी सी डी उसके वर्ण होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, वैसे ही हिंदी भाषा की लिपि जो होती है देवनागरी होती है जिसमें स्वर व्यंजन अयुग्मक ये सब चीजें आते हैं, मतलब आ बड़ा आ ये उसके वर्ण आते हैं, ठीक है, आया समझ में? अब जैसे उर्दू है, यस मैम, उर्दू उर्दू भाषा की जो लिपि होती है फारसी होती है, फारसी उनके उनके अक्षर भी अलग ही होते हैं, ऐसे उनका बताते हैं ऐसा बनाओ,
फिर ऐसा बना, उनके सबके अलग भाई ऐसा बनेगा तो ये ऐसा बनेगा, तो उनके अक्षर अलग होते हैं, उनके चिन्ह तो सभी भाषाओं के अलग अलग चिन्ह निर्धारित होते हैं। साउंड तो निकालते हैं एक सा ही, लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग निर्धारित हो जाते हैं, ठीक है। तो सभी जो ध्वनि को निकलती हैं उनके लिए संकेत निश्चित किए जाते हैं, या संकेत जो हैं उनको लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। देखिए, हमारे मुख से उच्चारित ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं, इसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, मतलब उनको ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। अब हम बात करते हैं वर्ण की, तो बात हमने समझ ली कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं आगे, हमारा टॉपिक है वर्णमाला। तो देखिए, वर्ण तो सबको समझ में आ गया कि जो अक्षर है वही वर्ण है, जो कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए वही वर्ण है, लेकिन माला, उसमें माला जोड़ दिया गया है, तो माला का उसके साथ जोड़ना मतलब क्या होगा? कि वर्ण तो हम लोग समझ गए कि वर्ण मतलब अक्षर, कि जो ध्वनि निकल रही है उनका लिखना रूप ही वर्ण है, लेकिन माला जोड़ दिया गया तो वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है? देखिए, जैसे आप लोगों के कोई भी माला के अंदर आगे लगा दिया जाता है मोतियों की माला, फूलों की माला, गुलाब की माला, गेंदे की माला, तो आप लोग इस माला से मतलब समझ रहे हैं कि माला जब आप लोगों ने बनाते हुए देखा है कि माला कैसे होती है। यस मैम। माला कैसे होती है? एक 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 मैम, हर एक फूल को मैम जोड़कर बनती है। हाँ बिल्कुल सही, कैसे हो जाते हैं वो, एक समूह में हो जाते हैं, होते हैं ना, एक 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 उसमें क्रम से डालते जाते हैं, ऐसा नहीं ये थोड़ी देर रुक जाए, क्रम से उनका डाला जाता है। तो वैसे किसी भाषा के वर्णों के क्रमबंध और क्रमबंध वर्णमाला कहते हैं। यस वेरी गुड, ऐसी ही हमारे क्या है, वर्णमाला है। जैसे मोतियों की माला में एक एक मोती को पिरो के माला बनाई जाती है, वैसे ही हमारे वर्ण को क्रम से, कैसे, ऐसे नहीं कि उल्टे सीधे कहीं भी, उनके क्रम से हाँ क्रम से उनके समूह में जमाना ही वो क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ये बन नहीं रहा, मैंने छोटी सी माला बनाई है, तो ऐसे मैंने बता दिया एक छोटा सा रूप, ये क्या बन गई हमारी वर्णमाला बन गई। इसकी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं, ये हमारे क्या है, वर्ण है, ये सब हमारे क्या है, वर्ण है। तो ये कैसे है, क्रम से है, तो इसका डेफिनेशन बन जाएगा कि वर्णों के क्रमबद्ध या क्रमवार, दोनों में से कुछ भी शब्द यूज कर सकते हैं आप लोग, क्रमवार भी बोल सकते हो और क्रमबद्ध भी बोल सकते हो, क्रमबद्ध समूह भी बोल सकते हो और क्रमवार रूप भी बोल सकते हो, दोनों एक ही मीनिंग है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों का क्रमवार रूप ही वर्णमाला कहलाता है, दोनों डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध से मतलब यह है कि क्रम से मतलब उनका सीरियल नंबर वाइज, ऐसा नहीं है कि आप छोटे आ के बाद औ की औ लिख दीजिए, औ अक्षर लिख दीजिए, नहीं, उनका क्रम है कि आ फिर बड़ा आ फिर छोटा ई बड़ा ई छोटा उ बड़ा उ रि ऋषि ए आई ओ औ अम अहा क ख ग घ ड छ छ ज ज ञ ट ट ढ ण त थ द ध न प फ व भ म य र ल व श श स ह छ त्र ज्ञ स्र। तो ये क्रम से है, उनका क्रम ऊपर नीचे नहीं हो सकता, वही क्या है, वर्णमाला कहलाती है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, हिंदी में वर्णमाला मैंने बता दिया इस प्रकार से है कि आ आ ई ई उ इस तरीके से। अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक पे, वर्णों के भेद, क्या पढ़ेंगे हम, वर्णों के भेद। तो देखिए बेटा, वर्णों के तीन भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है, और एक होता है आयु। वैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ते हुए आ रहे होंगे क्लास में कि स्वर और व्यंजन ही ज्यादा पढ़े होंगे, आयोग वाह का
नाम तो बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन हमारा ये स्वर्ण का एक भेद होता है, क्योंकि स्वर 11 है, ठीक है, और अयोगवा जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो स्वर, अयोगवा, व्यंजन, वोवल्स, इम्प्रॉपर कॉन्सोनेंट्स और कॉन्सोनेंट्स। अयोगवा जो होता है वो इम्प्रॉपर कॉन्सोनेंट्स कहलाता है। तो स्वर्णों के लिए हाँ अमोरहा, और एक और होता है जो अनु सॉरी जो विसर्ग अम अहा, और आप पर जो चंद्रबिंदु होती है अनुनाशिक वो भी होता है, ठीक है, वो भी अयोगवाह में कहलाता है। इस तरीके से अयोगवाह 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे वर्ण के फर्स्ट भेद पर। जो पहला भेद है वो क्या है, हमारा स्वर है। पहला भेद क्या है हमारा, स्वर है। तो स्वर से ही समझ में आ रहा है कि स्वर कैसे है, स्वतंत्र है। स्वर कैसे स्वतंत्र है, स्वर अकेली ही वर्ण में एक ऐसा भेद है, हमारी वर्णमाला के वर्णों में एक ऐसा भेद है कि उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती, किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप में बोल सकते हैं, अपने आप में लिख सकते हैं, उनको किसी की भी जरूरत नहीं होती, बोलने में भी ना ही लिखने में भी, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन बन सकता है, बिल्कुल सबसे ज्यादा इजी डेफिनेशन है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण ही स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। समझ में आया सभी को? यस मैम। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कई बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में दोनों में आता है, तो कभी कभी उसका ट्रांसलेशन डला हुआ होता है, तो वो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, तो वो समझते हैं कि वॉवल्स कितने होते हैं, तो इंग्लिश में 5 लगा देते हैं, तो कभी कभी हिंदी में 5 लगा देते हैं, ऑप्शन आता है। तो हिंदी की बात की जाए, क्योंकि वो पूछेंगे ही कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, वो ये नहीं पूछेंगे वर्णमाला कितनी होती है, वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, न स्वर कितने होते हैं, तो वो तो इंग्लिश में भी वही कहलाते हैं वॉवल्स, तो 5 लगा देंगे कई बच्चे। लेकिन हिंदी की बात करी जाए, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, इंग्लिश में बात की जाए तो 5 होते हैं, लेकिन जब हिंदी की बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्वर की बात करी जा रही है। तो क्या कौन कौन से हैं, आ, बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा उ, रि ऋषि का, ए, आई, ओ, और लास्ट हमारा जो है औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। क्या है, 11 स्वर, ये हिंदी वर्णमाला के 11 स्वर हैं। आ, ई, ओ, रि, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है। ये सभी रिवीजन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपके प्रीवियस क्लासेस जो भी आप पढ़ चुके हैं अभी तक, 6th क्लास तक जितना पढ़ चुके हैं आप लोग ग्रामर में, वो सब कुछ रिवीजन हो जाए, क्योंकि कई बच्चे बड़ी बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं और उनको स्वर ही नहीं पता होते कि कौन कौन से स्वर है, बोलते भी नहीं बनता कई बच्चों पे, कई बच्चों पे वर्ण वर्ण ही बोलते नहीं बनते पूरे हिंदी के। इंग्लिश के तो जल्दी सुना देते हैं ABCDEFGHI, लेकिन हिंदी की बात करें तो भूल जाते हैं। इसलिए हम एक एक टॉपिक को अच्छा डीपली पढ़ेंगे, जिससे हमारी प्री प्राइमरी क्लासेस का भी रिवीजन हो जाए, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि क्योंकि हमें अगर बेस हमारा अगर अच्छा होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है मैम। 3 प्रकार के, यस वेरी गुड, 3 प्रकार पर, समय के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। यस, राष्ट्र स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुक स्वर, पुलुक स्वर,
यस वेरी गुड। देखिए ह्रस्व स्वर मतलब होता है कि जिन, देखो सभी स्वरों का तो हम क्या करते उच्चारण ही करते हैं ना, तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे समय, मतलब जो हमारे 11 स्वर है ना, एक मिनट, जस्ट वन मिनट, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस मैम। हाँ वो क्या है, किसी का फोन आ रहा था तो अभी अपन बाद में देखेंगे उसको। तो देखिए स्वर जो हमारे 11 स्वर हैं, ये 11 स्वर हैं, ठीक है, तो जो ये 11 स्वर है ना, तो उन 11 स्वर में इन तीनों को क्या कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया गया, मतलब इसमें तो डिवाइडेशन नहीं है लेकिन इन दोनों में उनका उसका डिवाइडेशन है। तो उन स्वरों में उनने देखा कि किसको सबसे कम समय लग रहा है, तो वो ह्रस्व स्वर में चले जाएंगे, जिसको ज्यादा समय लग रहा है वो दीर्घ स्वर में चला जाएगा। तो जो 11 स्वर अभी हमने पढ़े हैं, आ बड़ा आ छोटा ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ रे ऋषि का ए आई ओ औ, तो ये इन दोनों में ही डिवाइडेड कर दिए गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट हमारा ह्रस्व स्वर देखते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण मतलब समझते हैं प्रोनाउंसिएशन, तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम मैम उच्चार है मैम, हाँ तो वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये चार होते हैं, छोटा आ मैम, छोटी छोटा ऊ और मैम ऋषि। वेरी गुड, ये किसने आंसर दिया है मैम? श्वेता। श्वेता वेरी गुड। तो हम ह्रस्व स्वर की बात करें, अब ह्रस्व स्वर के कंपेयर से ही आगे के स्वर होंगे, तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वो हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये चार होते हैं, आ छोटा ई छोटा ऊ और ऋषि का, और आप लोग खुद देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे अभी कि सच में इसमें बोलने में कितना समय लग रहा है और इसको बोलने में कितना समय लग रहा है, दोनों का एक टाइम मेंटेन करके आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दीर्घ, तो दीर्घ शब्द से ही उसका वर्ड मीनिंग समझ में आ रही है कि जिन स्वरों के उच्चारण में सब, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मतलब इससे डबल लगता है, मतलब ह्रस्व स्वरों से इसको बोलने में डबल समय लगता है। डबल मतलब होता है दो गुना, मतलब जब आपको इसमें एक मिनट लग रहा है तो दीर्घ स्वर को बोलने में दो मिनट लगेगा, क्योंकि वह डबल की बात कर रहा है ना, दो गुना की बात कर रहा है। जिस काम को हमें एक घंटा लगेगा और अगर मैं दो गुना कर दूंगी तो उसको दो घंटे हो जाएंगे ना, जिस काम को मुझे करने में दो घंटे लग रहे हैं और उसका मैं अगर दो गुना या डबल बोल देती हूँ तो चार घंटे लगेंगे। वैसे ही ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में कंपेयरिंग है कि ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है, लेकिन यहाँ पर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से दो गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब ये दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो दीर्घ स्वर सात होते हैं मैम, आ मैम बड़ा आ मैम बड़ी ई बड़ा ऊ ए ए आए ओ और मैम आओ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आप लोग काउंट कर लो, मैंने पूरे लिखे हैं क्या? यस मैम। हाँ तो ये आपको याद रखना है, बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ ए आई ओ औ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये तो दोनों में कन्वर्ट हो गए, दीर्घ और क्या कहते हैं ह्रस्व स्वर में, तो ये तो 11 पूरे कंप्लीट हो गए, लेकिन प्लुत स्वर में कौन सा स्वर आएगा? तो देखिए प्लुत स्वर एक ऐसा स्वर है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से भी तीन गुना समय लगता है। कितना समय लगता है? तीन गुना। हाँ तो आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि संस्कृत और हिंदी एक दो और दो भाषाएं और हैं जिनकी लिपि देवनागरी ही होती है, तो जब प्लस स्वर संस्कृत में होता है तो हिंदी में भी होगा, ठीक है, काउंटेबल जरूर नहीं होगा
जरूर हम लोग उसको वर्णमाला में काउंट नहीं करते होंगे जब हम पूरे अक्षर देखते हैं कि टोटल अक्षर कितने होते हैं, लेकिन अगर आप उसको डीपली पढ़ेंगे हम तो पिलुत स्वर एक होता है। हिंदी में प्रयोग कम देखने को मिलता है लेकिन संस्कृत में इसका प्रयोग अधिक होता है। तो इसका डेफिनेशन बन जाता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अब ह्रस्व स्वरों से 3 गुना, मतलब दीर्घ स्वर को तो 2 गुना समय लग रहा था लेकिन प्लस स्वर को बोलने में 3 गुना समय लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लस स्वर कहते हैं। संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, ये मैं प्लस स्वर का नाम भी बता देती हूँ, ओम होता है, ये ऐसा लिखा जाता है। ये जो बीच में आ बना है ना, ये जो है ये आ, इसका प्रोनाउंस आ में होता है, अनुस्वार